हाउ रिच पीपल गेट रिचर, अमीर आदमी ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं। कई बार खर्चे ज्यादा होने की वजह से हम गरीबी की तरफ या गरीब लोग गरीबी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं और अमीर लोग हैं और ज्यादा अमीर की तरफ बढ़ जाते हैं। जो अमीर लोग हैं कंपनियां बना के लोन लेते हैं ताकि उनकी तरक्की ज्यादा हो सके, रैपिड ग्रोथ का मतलब तेजी से फास्ट ग्रोथ हो सके। जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा है सरकार उन्हीं लोगों के हिसाब से बनती है और हाँ दोस्तों, राघवन सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरु को चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो फाइनेंस को लेकर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर है। हाउ रिच पीपल गेट रिचर, अमीर आदमी ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो अमीर लोग करते हैं और उन्हें गरीब लोग नहीं करते, जिससे अमीर ज्यादा अमीर होता चला जाता है और गरीब आदमी का तो आपको पता ही है कि उसके पास इतनी कम इनकम होती है कि वो अपने खर्चों को भी मीटअप नहीं कर पाता। इसलिए कई बार खर्चे ज्यादा होने की वजह से हम गरीबी की तरफ या गरीब लोग गरीबी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं और अमीर लोग हैं और ज्यादा अमीर की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहले ये दे फॉर्म कंपनीज, ये लोग सबसे अमीर आदमी क्या करते हैं, सबसे पहले ये लोग कंपनीज बनाते हैं, कंपनी के रेजोल्यूशन डालते हैं, रेजोल्यूशन डाल के जो जो इनकी फेवर में होते हैं वो सारे काम करते हैं और कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। कंपनी बनानी कोई मुश्किल काम नहीं है, कंपनी बना लो, कंपनी के बाद फिर जो भी उसमें आपने काम करना है उनके रेजोल्यूशन वगैरह में लिखा जा सकता है। अगला क्या है, अवेल लोन्स फॉर रैपिड ग्रोथ। जो अमीर लोग हैं कंपनियां बना के लोन लेते हैं ताकि उनकी तरक्की ज्यादा हो सके, रैपिड ग्रोथ का मतलब तेजी से फास्ट ग्रोथ हो सके, तो फास्ट ग्रोथ के लिए वो लोन लेते हैं। जबकि गरीब आदमी लोन लेने से डरता है और जो ले भी लेता है यदि कोई किस्त ना जाए तो बैंक वाले उसको परेशान करते हैं, जबकि अमीर आदमी जितना मर्जी लोन लेते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं और उसके बाद भी अपने मर्जी से काम करते हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि जितने पास जितने पैसा अमीर आदमी के पास है वही स्टेट को चलाते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, जहां भी देख लो जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा है सरकार उन्हीं लोगों के हिसाब से बनती है और सरकार फॉर्म करने में, सरकार बनाने में उन्हीं लोगों का ज्यादा योगदान रहता है। मतलब लोन लेने से ये लोग डरते नहीं, लोन लेते हैं, लोन लेके फिर आगे और काम करते हैं, खूब तरक्की करते हैं। जबकि गरीब आदमी को लोन से दूर रखा जाता है और लोन अमाउंट को अवेल करने से रोका जाता है। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमें लोन लेने से वर्जित किया जाता था कि लोन मत लेना, ये मत करना, वो कंपनी लोन ऐसे कर देगा आपको। लोन आपको तभी खराब करता है जब लोन की रकम कहीं गलत मकसद में यूज हो जाए। यदि लोन लिया है तो मैं हमेशा इस बात का धारणी हूं कि यदि आपने लोन लिया है और अच्छी जगह पे लोन लग गया, लोन की अमाउंट लगी, तो आपको लोन की रकम उतारनी बहुत आसान हो जाएगी। मतलब जो लोन पर ब्याज लगेगा वो बहुत कम होगा और जो उससे आमदन होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो कई लोग तो अमीर हो ही जाते हैं, लोन लेके अमीर हो जाते हैं। सो ये भी मैंने इसका टाइटल ये रखा है कि रिच पीपल है जो वो और रिचर कैसे हो जाते हैं, लोन लेना भी उनके एक वजह है। अगर टैक्स सेविंग फॉर लोन अमाउंट, एक बार लोन अमाउंट ले ली, लोन मिल गया उनको, उसके ऊपर टैक्स की कैसे बचाना है, सीए को मिलते हैं, कुछ और करते हैं। हमें भी जाओ हाउसिंग लोन लेते थे, हाउसिंग लोन में हमारा जो इनकम टैक्स का स्लैब बनता था उसमें हमें कंसेशन मिलती थी, उसमें रिबेट मिलती थी। तो इस तरीके से और भी बहुत लोन की है, जैसे अमीर आदमी ने कोई कार लेनी कंपनी के नाम पे कार ले ली, जब कार बेचनी है उसका डेप्रिसिएशन उनको मिल जाना, कई और चीजें मिल जाएंगी। जबकि इंडिविजुअल लोग है जो ये चीजों का फायदा नहीं ले पाते। अगली बात ये की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि लंबे समय के लिए काम करना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब
सब्र का फल मीठा होता है जिसको बोलते हैं, सब्र के फल के साथ उन्होंने कमाई करनी है। अब गरीब आदमी या जो वो आदमी जो जिसके पास पैसा सिर्फ उतना ही है जितने जितना उसके गुजारे लायक है, यदि वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर भी ले पकड़ेगा इधर उधर से पकड़ेगा करेगा और फिर उसको लोग कहेंगे कि यार तू जल्दी जल्दी कर, तू ये मतलब प्लॉट बेच दे, तू ये कर दे, ये वो कर दे, मतलब ये करने का मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है चाहे इमूवेबल हो चाहे मूवेबल हो उसको जल्दबाजी में बेचनी पड़ती है, जबकि ये लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब आज कोई प्रॉपर्टी ले ली और इनको 5 साल 10 साल में इनको रिजल्ट मिलना है और उनको रिजल्ट कई 100 गुना मिल जाता है। मैंने 2007 में राजस्थान में काम शुरू किया था और वहां से लेके आज तक 17 साल में 100 गुना के आसपास बढ़ोत देखी जाती है, बढ़त देखी जा रही है। तो जब 2007 में यहां पर मोहाली में बड़ी बड़ी कंपनियां आई, कंपनी आने के बाद उन्होंने यहां पर प्लॉटिंग शुरू की तो हमें लगता था कि ये फेल होकर चली जाएंगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोच गई थी और आज उनको वो रिजल्ट मिल रहे हैं जिसकी हम सपने में भी कभी मतलब ख्वाब में भी सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा जबरदस्त उनको मतलब रिटर्न मिल रहा है। तो अगली जो है दे अर्न मनी फ्रॉम देयर शेयर इन कंपनी, इन कंपनी मतलब ये लोग सैलरी तो देते हैं, सैलरी भी लेते हैं कंपनी से और उसमें अपना शेयर रख ले, कोई 10 पैसे का है, कोई 5 पैसे का, 10 पैसे का, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उसमें ज्यादा उनको प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट में से अपने शेयर के मुताबिक किसी का 10 पैसे 10 पैसे के हिसाब से, 20 पैसे 20 पैसे के हिसाब से वो उससे पैसा लेते हैं और ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि आम आदमी मिडिल क्लास आदमी तो वहां तक सोच ही नहीं जाती उसकी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, ये कैसे लोग अमीर लोग ज्यादा अमीर होते हैं इस बात का आपने ध्यान रखना है, फॉलो करना है, पैसे की सभी को जरूरत है, ऐसे मत कहो यार कि ये तो बड़े लोगों के काम है, ये उस लोगों का काम है, ऊपर वाले ने सभी लोगों को बराबर पैदा किया है, सिर्फ सोच का ही फर्क है, जो आप सोच रहे कि वो लोग बड़े हैं तो वो बड़े बन जाएंगे, जिस दिन आप खुद को सोचने लगे कि हम भी उनसे कम नहीं तो आप भी बड़े हो जाओगे। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी सोच जरूर बदलेगी, यदि ये वीडियो आपकी सोच बदलने में कामयाब होगी तो लाइक कर देना, थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ।